इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई के लिए प्लेइंग 11 घोषित हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मैच को इंडिया जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, पहला ओडीआई इंडिया बुरा तरीका से हार गया था, जो कि एक शर्मनाक हार था। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और टॉम लैथम ने शानदार साझेदारी करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए एक ऐसा बल्लेबाजी किया कि इंडिया को पस्त कर दिया और सारे बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं प्लेइंग 11, टाइम टेबल। इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कितने बजे खेला जाएगा और क्या होगा प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ओपनिंग करने के लिए भारत की तरफ से शिखर धवन आएंगे, जो कप्तान है इस टीम का, जो कि पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लग रहा था कि 2019 के बाद पहला शतक मारने ही वाला है कि वो आउट हो गए। उसके बाद बात करें दोस्तों शुभमन गिल का, तो शुभमन गिल भी शानदार फॉर्म में है, तो वो भी दूसरे नंबर पर आएंगे। वहीं बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर आएंगे, जो कि पिछले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 8 पारी में, वनडे का 8 पारी में श्रेयस अय्यर ने 5 अर्धशतक जड़े हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों उसके बाद बात करें तो उप कप्तान ऋषभ पंत आएंगे, जो कि पिछले मैच में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस किया था, जो कि निराशजनक परफॉर्मेंस था, फिर भी इस मैच में वो 4 नंबर पे आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों सूर्य कुमार यादव का, तो सूर्य कुमार यादव 5 नंबर पे आएंगे, जो कि पिछले मैच में निराश किया था, लेकिन इस मैच में निराश नहीं करेंगे। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव T20 में भारत की तरफ से सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा था। वहीं बात करें दोस्तों 6वें नंबर का, तो 6वें नंबर पर संजू सैमसन आएंगे, जो कि पिछले मैच में निराश नहीं किया था और बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। वहीं बात करें दोस्तों 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर ही आएंगे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर 16 गेंदों में 37 रन मारे थे, जो कि 3 चौका 3 छक्का की मदद से बेहतरीन परफॉर्मेंस था। दोस्तों उसके बाद बात करें 8वें नंबर पे, तो शार्दुल ठाकुर, और 9वें नंबर पे उमरान मलिक, और 10वें नंबर पे अर्शदीप सिंह, और 11वें नंबर पे यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल दोस्तों बता दें कि पहले ओडीआई में भले ही बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन आने वाले ये दूसरे ओडीआई में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये मैच सुबह के 7 बजे से खेला जाएगा, और ये मैच आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो और DDS स्पोर्ट्स पे। और दोस्तों एक बात बता दें कि इस मैच को इंडिया को हर हाल में जीतना होगा, तभी इंडिया तीसरा ओडीआई जीत करके सीरीज जीत सकती है। अगर ये मैच इंडिया हार गया तो इंडिया फिर सीरीज भी हार जाएगा और ये सीरीज न्यूजीलैंड जीत जाएगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय।